आए दिन भगवान के साथ नशों को जोड़कर युवाओं को जिस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मंडी निवासी ने काला जादू के नाम से एक गाना बनाया है। मंडी में इस गाने को सोच संस्था के एमडी राजा सिंह मल्होत्रा ने विधिवत रूप से रिलीज किया। आए दिन भगवान के साथ नशों को जोड़कर युवाओं को जिस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मंडी निवासी ने काला जादू के नाम से एक गाना बनाया है। मंडी में इस गाने को सोच संस्था के एमडी राजा सिंह मल्होत्रा ने विधिवत रूप से रिलीज किया। रिलीज के बाद यूट्यूब पर गाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अभी तक हजारों लोग इस गाने को देख और सुन चुके हैं। गाने का निर्माण फीट ऑफ फायर द्वारा किया गया है। गाने को मंडी निवासी विशाल भारद्वाज ने लिखा, कंपोज किया और गाया है। गाने के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि नशा हर तरह से सेहत के लिए हानिकारक है। सोच संस्था के एमडी राजा सिंह मल्होत्रा ने फीट ऑफ फायर और गायक विशाल भारद्वाज को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा और सोच का सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें और भगवान के नाम पर भ्रमित न होकर नशे से दूर रहें। वहीं गायक विशाल भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने अलग सोच के साथ ये गाना बनाया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लोग इस गाने को जरूर पसंद करेंगे। आपको बता दें कि ये एक रैप सॉन्ग है जो कि युवाओं की सोच बदलने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। आज फीट ऑफ फायर द्वारा एक गाने का विमोचन किया गया है जिसका नाम है काला जादू। इसमें युवाओं को आजकल जो चल रहा है, जो यहाँ पे नशे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके लिए अवेयर करने के लिए फीट ऑफ फायर ने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। उसमें हमारे लीड सिंगल विशाल भारद्वाज जी हैं जिन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो युवा है वो नशे को छोड़ के और एक्टिविटीज में अपना ध्यान लगाए। और जो आजकल नशे के गाने लोगों ने लिखने शुरू किए हैं जिसमें भगवान को भी डाल दिया गया है, भोलेनाथ जी को भी डाल दिया गया है, वो भी बहुत एक गलत चीज है। उसको इन्होंने अवेयर किया है कि ये सब चीजें ना करें और ये जो दिमाग लगा रहे हैं कुछ अच्छे कामों में लगाएं, अच्छी एक्टिविटीज में लगाएं ताकि अपना भविष्य अच्छा बना सकें। और मैंने ये गाना काला जादू नशों के खिलाफ लिखा है, जो आजकल लोग गाने बना रहे हैं जिनमें भोलेनाथ का नाम भी है, जैसे भोलेनाथ को कोई गांजा पिला रहा है, भांग पिला रहा है, तो उसके खिलाफ मैंने कहा है कि गाने बनाओ पर नशों के खिलाफ बनाओ, भोलेनाथ को बीच में न डालो। उसी फिर अमित भाई जो फीट ऑफ फायर के एमडी हैं उन्होंने मेरा साथ दिया इस गाने बनाने में और आशा करता हूँ कि आपको ये गाना पसंद आएगा, बहुत दिल से लिखा है।